नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं अरुण दुबे। दादर में हुआ किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जय भगवान जाटो ने बताया कि आज ग्राम दादर में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री, जयपुर संभाग प्रभारी मदन दिलावर पूर्व मंत्री ने अलवर जिला प्रभारी विष्णु चेतानी व मदन दिलावर पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान कृषक बिल किसानों के लिए फायदेमंद होगा, किसानों को स्वतंत्रता मिलेगी। दिलावर ने कहा कि राजस्थान में गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है, जो राजस्थान सरकार को झूठ बोलने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई किसानों को ऋण माफ करने, बिजली बिल माफ करने और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों को 8 घंटे पावर बिजली मिलने के बजाय 4 घंटे बिजली मिलती है और बिजली के बिल पर हर महीने 700 से 1000 तक बिल आते हैं, जिसकी वजह से आज 2 से 3 हजार को घरेलू बिल आता रहता है, जिससे किसान बहुत ही परेशान है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद जो मंत्री बने हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां आमजन सुरक्षित नहीं है। इस पर सर, जो अभी के जो मंत्री हैं उनका संरक्षण होगा वोट के लालच में, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय कहा था हमको वोट दो, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये बात चोर लुटेरे बदमाश और बलात्कारियों ने भी सुनी और ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, हमको ये छूट दो नहीं तो अगली बार वोट नहीं देंगे। और इसके लालच में, वोट के लालच में बलात्कारियों को, गुंडों को, हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार भाजपा आमजन के साथ रही है, अब आम जनता जो पीड़ित है उसकी एक आस बनी हुई है भाजपा से, क्योंकि जहां शॉटगन से बालिका मरी है वहां एक भी नेता रेगुलर पार्टी का नहीं पहुंचा है सांत्वना देने, क्योंकि वो गरीब है और जो दूसरे लोग हैं वो वोट धारक हैं। लेकिन भाजपा से आस है कि गरीब लोगों की सुरक्षा हो सकती है, उनका मान सम्मान भी हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय कहा था हमको वोट दो, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये बात चोर लुटेरे बदमाश और बलात्कारियों ने भी सुनी और ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, हमको ये छूट दो नहीं तो अगली बार वोट नहीं देंगे। और इसके लालच में, वोट के लालच में बलात्कारियों को, गुंडों को, हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार भाजपा आमजन के साथ रही है, अब आम जनता जो पीड़ित है उसकी एक आस बनी हुई है भाजपा से, क्योंकि जहां शॉटगन से बालिका मरी है वहां एक भी नेता रेगुलर पार्टी का नहीं पहुंचा है सांत्वना देने, क्योंकि वो गरीब है और जो दूसरे लोग हैं वो वोट धारक हैं। लेकिन भाजपा से आस है कि गरीब लोगों की सुरक्षा हो सकती है, उनका मान सम्मान भी हो सकता है, इस पर क्या?